हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज अगला कवि लेके आई हैं किस्सा कवि अपने हाशम। हाशम दी इक गल है, एक खासियत है कि वो एक सूफी कवि ते एक किस्सा कवि दोनों ही काउंट हुंदे ने। इवन कि आई थिंक सो मास्टर केडर च क्वेश्चन भी आया सी कि वो केड़े कवि ने जिहड़े एज ए सूफी कवि ते किस्सा कवि दोनों काउंट हुंदे ने। हुण सूफी कवि क्यों काउंट हुंदे ने वो अगो गल करांगे। हाँ जी, सब तो पहले इन्हां दी जिहड़ी फेमस रचना वो मैं अलग करके हमेशा हर एक राइटर दी लिख दिंदी हां, जिहदे तो सानू स्पेसिफिकली याद रहे कि इन्हां नू किस नाल जानिया जांदा है। जिहड़े हाशम ने उन्हां नू सस्सी पन्नू नाल जानिया जांदा है। सस्सी पन्नू दी उन्हां ने रचना कीती सी। 18वीं सदी दे कवि ने दवैया छंद विच इन्हां ने सस्सी पन्नू लिखिया सी। इह दो चीज़ां जिहड़ियां ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ने माइंड विच रखनिया। ठीक है जी। हुण इन्हां दा जन्म तुहानूं मैं क्या किस्सा करां दे जिहड़े जन्म है ना, हर एक लेखक जिहड़ा अपने अकॉर्डिंग दसदा है। तां कई जगह ते मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दीआं ही डेट्स फॉलो कीतीआं होईआं। तां 1735 तों 1852 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे अकॉर्डिंग लिखा होया। पिंड जगद्योंग कलां इन्हां दा जन्म होया सी अमृतसर शहर दे विच। ठीक है, बट डॉक्टर हरनाम सिंह शान थोड़ा जिहा अलग करके कहिंदे ने, उह कहिंदे ने इन्हां दा जन्म जिहड़ा है मदीना विच होया। हर आलोचक हर एक साहित्यकार जन्म पिंड जगद्योंग कलां अमृतसर कहिंदे ने, बट डॉक्टर हरनाम सिंह शान सिर्फ कल्ले ने जिहड़े मदीना कहिंदे ने। पिता इन्हां दे हाजी मुहम्मद शरीफ है, पर कई जगह ते कासम नाम भी इन्हां दे पिता दा मिलदा है। बल्कि हाजी मुहम्मद शरीफ ते कासम दोनों ही पिता दे नाम मिलदे हन। पर इहदा मतलब तुसीं इह नहीं लैणा कि इन्हां दे दो पिता सी, पिता इक्को ही सी। पर कई लेखक हाजी मुहम्मद शरीफ कह देंदे ने, कई कासम कह देंदे ने, जिहड़े कि कुरेशी जात ते किते वजो तरखान सन। उन्हां दी जात जिहड़ी सी कुरेशी सी, कम उह तरखान दा करदे सी। रणजीत सिंह काल दा श्रेष्ठ कवि इन्हां नूं कहा जांदा। रणजीत काल दा कवि हाशम है, रणजीत सिंह काल दा श्रेष्ठ कवि भी हाशम है। इन्हां दे नां ते इक मरसिया लिखिया मिलदा है जिहड़ा कि इन्हां ने महा सिंह ते लिखिया सी, महाराजा महा सिंह। हुण मरसिया की हुंदा है मैं उह वी तुहानूं दसदा, कईआं नूं पता होएगा कईआं नूं नहीं पता होएगा। एक्चुअली जिहड़ी मरसिया रचना हुंदी है सोग गीत कह दिंदे आ, जदों किसे दी मौत हुंदी है उसदे दुख विच लिखी जांदी कविता, उसनूं असीं मरसिया कहिंदे आ। अपनी शिव कुमार बटालवी जी ने मरसिया लिखिया सी जवाहर लाल नहरू जी ते, पंडित जवाहर लाल नहरू जी ते। ते हाशम ने लिखिया महा सिंह ते, होर भी बहुत सारे कवियां ने मरसिया लिखिया होया। नैक्सट इन्हां दीआं रचनावां पंज किस्से मिलदे ने टोटल इन्हां दे। सब तो पहला किस्सा इन्हां ने लिखिया सी सोहनी महीवाल, ये याद रखने वाली गल है। सब तो पहला किस्सा सोहनी महीवाल। और विदेशी धरातल का किस्सा इन्हां ने लिखिया सी श्री फरियाद, ये भी याद रखने वाला है। ठीक है, पहला ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाशम का पहला किस्सा कहड़ा सी सोहनी महीवाल, और विदेशी धरातल नाल संबंधित किस्सा कहड़ा उन्होंने लिखे श्री फरियाद। हाशम की प्रसिद्धि किस नाल है, सस्सी पन्नू नाल। और मुहम्मद शाह गजनवी ते भी वो किस्सा लिख रहे ने, इहदे बारे मैनूं इन्ना हाले कुछ मिलिया नहीं होया, जे जदों मिलेगा मैं ऐड ऑन करवा दांगी। ते हीर रांझे की बिरती भी इन्हां दा किस्सा मिलता है। हुण इह जिहड़ी मैं नंबरिंग पा रही हूँ इहदा मतलब ये नहीं है कि इस सीकुएंस दे नाल चलदे। पहला किस्सा सोहनी महीवाल जिस विच 151 बंद, हीर रांझे की बिरती इहदे विच 30 बैंत ने, शहरफी काव्यरूप है। शहरफी काव्यरूप ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ, उर्दू फारसी दे अक्षरां दी गिनती तो बनता है। इसदे अक्षर किन्ने हुंदे ने 30, 35 जिहड़ा है 35 अक्षरां तो देवनागरी 52 अक्षरां नूं आधारित करके बनता है। 150 सत्रां इस किस्से विच। सस्सी पन्नू जिस तो इहदी प्रसिद्धि है, दवैया छंद विच लिखिया होया किस्सा है। 126 बंद ने इस किस्से दे। सस्सी जिहड़ी है भंबोर शहर दी रहिण वाली है, शहर दा नाम मैं लिखता इत्थे भंबोर शहर दी। चार तुक्कां हर एक बंद दीआं, और इसदा जिहड़ा तरातल है वह सिंध बलोचिस्तान है। सस्सी पन्नू दा जिहड़ा तरातल है सिंध बलोचिस्तान है। श्री फरियाद की वार्ता 513 बंद ने, दो तुक्के 513 बंद ने, विदेशी तरातल दा ये किस्सा है। ते महमूद शाह गजनवी ते भी इन्हां ने किस्सा लिखिया होया। हुण जदों मैं हाशम शुरू किया सी, शुरू करन दे मैं तुहानूं इक गल कहा सी कि हाशम एक अजिहा कवि है जो एज ए किस्साकार ते सूफी काव काउंट हुंदा है। हुण किस्साकार तां तुहानूं पता चल गया कि अपने पंज किस्सियां करके उह किस्साकार है। हुण पर एक चीज़ है कि इन्हां दे जिन्ने भी किस्से ने उह इश्क हकीकी दी पेशकारी ने,
ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੋਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 208, ਡਿਓਡਾਂ, ਬਾਰਾਮਾਂ, ਗੰਜ, ਅਸਰਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹੜੇ, ਡਿਓਡਾ, ਬਾਰਾਮਾਂ, ਗੰਜ, ਅਸਰਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਜਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੰਪਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਾਦਰੀ ਹੈ। ਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ 1 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।